हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लूरिपोटेंट। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और छोटा सा टॉपिक है बॉन्ड एंगल, जिससे प्रीवियस इसमें काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। सो आज का टॉपिक रहेगा जो हमारा, दैट इज बॉन्ड एंगल। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पढ़ चुके हैं हम, इसके अलावा जो वेस्पर थ्योरी है वो भी पढ़ चुके हैं। तो बॉन्ड एंगल करने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है किसी भी कंपाउंड के पास, तो उसमें शेप निकालना आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें प्रीरिक्विजिट है। तो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखा है और वेस्पर थ्योरी नहीं देखी है, तो उसके जो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेकआउट दिस। तो हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक जो रहेगा, दैट इज बॉन्ड एंगल। तो देखो, बॉन्ड एंगल होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, लाइक सपोज करो वी हैव Ab2, तो इसका कुछ भी शेप हो सकता है, या Ab4 है, इसका कुछ भी शेप हो सकता है। तो जो सेंट्रल एटम है और उससे लगे हुए जो पेरिफेरल एटम है, पेरिफेरी में लगे हुए एटम है, उनके बीच में एक एंगल बनेगा, उसे कहेंगे हम बॉन्ड एंगल। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे बॉन्ड एंगल, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ जाए तो कैसे चेक किया जाएगा बॉन्ड एंगल, हमारा जो अप्रोच है वो क्या रहेगा। तो टोटल हमारे पास चार अप्रोचेस रहेंगे, किस किस प्रकार से हम चेक करेंगे, सो विल सी वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज, सो अगर बॉन्ड एंगल आए तो फर्स्ट वी हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट इज चेक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना था ही हमें, इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करके निकाल सकते हैं हम, स्टेरिक नंबर मेथड से, या सिग्मा बॉन्ड काउंट करके भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास सिंपली हम जो तीन हाइब्रिडाइजेशन होती है, एसपी, एसपी2 और एसपी3, यही कॉमनली चेक करेंगे हम। तो एसपी में शेप क्या होती है, लीनियर। एसपी2 में शेप क्या होती है, ट्राइंगुलर, प्लेनर। और sp3 में शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। इनके एंगल्स लिखवाए थे। sp में जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री, sp2 में जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, और sp3 में जो एंगल होता है इट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ठीक है, शेप मैं इसके बताता हूं। ऐसे sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसी होती है, इस टाइप की शेप होती है, और यहां पर जो एंगल होता है इट इज 180 डिग्री। इसके अलावा sp2 में देखें तो इस टाइप की शेप होती है, और यहां पर जो एंगल रहेगा दैट इज 120 डिग्री, और sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, ये एक जो पर्पल है दैट इज बैकवर्ड। तो यहां पर जो एंगल बनेगा दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो सबसे पहले स्टेप तो यह था कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ जाए तो उसमें हम चेक कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम उसमें एंगल जो है वो बता सकते हैं। लाइक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा एकदम, लाइक वी हैव C2H6। तो हमें इसमें कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल के बेस पे, इसको हमें अरेंज करना है। तो देखो, इसमें ये जो है हमारे पास ये कुछ ऐसा है, इसके अलावा ये इस टाइप का है, इसके अलावा ये जो है ये इस टाइप का है, यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अल्केन्स में पता ही आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है 180, sp2 में एंगल कितना होता है 120, और sp3 में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर आपको उसको अरेंज करना रहे तो सबसे बड़ा ज्यादा एंगल किसका है, अल्काइंस का, उससे कम अल्किन्स का, और सबसे कम अल्केन्स का। तो जो ऑर्डर रहेगा बॉन्ड एंगल का वो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सो एसपी, sp2 और sp3 में जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा sp का, देन sp2, देन sp3। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, दिस इज आस्क्ड इन 2010 इन DUMET। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत सिंपल सा है, सबसे ज्यादा sp, देन sp2, और सबसे कम sp3 में। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन से अगर हमारा आंसर आ रहा है तो हम आंसर उसको ठीक कर लेंगे। अगर हमारा सपोज करो जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज सेम, सेकंड वन इज, अगर सपोज करो कि आपको क्वेश्चन आया और सबसे पहले देखा हमने कि हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर कंपाउंड्स की सेम आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे। तो सेकंड वन इज, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है देन वी हैव टू चेक फॉर द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन चेक फॉर द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो क्या करेंगे हम, जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कितने लोन पेयर है, देन वी हैव टू चेक फॉर दिस। और जब लोन पेयर आ जाएगा तो उसे क्या करेंगे, देन मोर द लोन पेयर लेस विल बी द बॉन्ड एंगल।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखने वाले हैं, मोर द लोन पेयर लेस विल बी द बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, तो इन्वर्सली वेरी करता है, लोन पेयर वेरीज इन्वर्सली विद द बॉन्ड एंगल, तो लोन पेयर और बॉन्ड एंगल जो है दे वेरीज इन्वर्सली, तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अब देखो ऐसा होता क्यों है, लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक सपोज करो मेरे पास एस टू है और एस टू में कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, और इसका हम शेप बनाएंगे तो इट इज वी शेप, इस टाइप का बनता है, एक लोन पेयर यहां होता है और एक लोन पेयर यहां होता है। तो देखो जब दो लोन पेयर होंगे तो होगा क्या, हमें पता है वेस्पर ने बताया हमें कि लोन पेयर का रिपल्शन जो है वो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम, इससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर का। तो देखो होगा क्या कि जो अगर दो लोन पेयर आ गए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ही रिपेल करेंगे, तो जब रिपेल करेंगे तो ये जो लोन पेयर है क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे, दूर होंगे तो क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेंगे, उनको दबाएंगे, और जो बॉन्ड पेयर है वो पास आते जाएंगे, ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, ये दोनों पास आते जाएंगे क्योंकि इनका रिपल्शन सबसे कम होता है, तो सारे इन्हीं को दबा देंगे, तो सब जब बॉन्ड पेयर दब गया तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल विल बी डिक्रीज्ड। तो इसीलिए जितना ज्यादा लोन पेयर होते हैं बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन करेगा और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर दबता जाएगा दबता जाएगा दबता जाएगा, और फाइनली जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो मोर द लोन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका, लाइक क्वेश्चन इज वी हैव H2O एंड NH3, हमें इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो सबसे पहले काम तो ये होता है कि हाइब्रिडेशन निकालो, तो H2O में जो हाइब्रिडेशन आती है वो sp3 आती है, NH3 में भी जो हाइब्रिडेशन आती है वो sp3 आती है, दोनों में हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं उसका वीडियो है आप देख सकते हैं उसे, तो दोनों में जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 आती है, तो अगर हाइब्रिडेशन सेम होगी तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, वी हैव टू चेक फॉर द लोन पेयर, तो वाटर में होते हैं हमारे पास दो लोन पेयर और NH3 में होते हैं हमारे पास एक लोन पेयर, वाटर का जो शेप आता है, वाटर का शेप होता है वी शेप, और NH3 का जो शेप होता है दैट इज पिरामिडल। ठीक है, चलो इनको ड्रॉ करते हैं, तो वाटर का वी शेप इस टाइप से बनता है और NH3 का जो पिरामिडल शेप है वो इस टाइप से बनता है, NH3 के ऊपर होता है एक लोन पेयर और वाटर में ऑक्सीजन के पास होते हैं दो लोन पेयर। अब देखो मोर द लोन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल, लोन पेयर और बॉन्ड एंगल कैसे वेरी कर रहे थे, इन्वर्सली, तो वाटर के पास ज्यादा लोन पेयर है तो वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और NH3 के पास एक ही लोन पेयर है तो NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो वाटर के पास है हमारे पास दो लोन पेयर, अमोनिया के पास है एक लोन पेयर, तो लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, तो पानी के पास दो लोन पेयर है तो पानी का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, तो जो बॉन्ड एंगल है वाटर का वो कम होगा और जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया का वो ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, अगर हाइब्रिडेशन सेम आए तो हाइब्रिडेशन सेम आने पे क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन सेम आने पे हम चेक करते हैं लोन पेयर, अगर लोन पेयर ज्यादा आए तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन। अब सोचो कि अगर हमारे पास हाइब्रिडेशन भी सेम आ जाए और जो लोन पेयर है वो भी सेम आ जाए, उस केस में क्या किया जाएगा। सो द थर्ड कंसेप्ट इज इफ द लोन पेयर एंड हाइब्रिडेशन बोथ आर सेम, तो अगर दोनों चीजें सेम है तो क्या करेंगे, देन वी हैव टू लुक फॉर द सेंट्रल एटम, अगर दोनों ही सेम रहे तो क्या देखा जाएगा, सेंट्रल एटम को देखा जाएगा। अब जो सेंट्रल एटम है क्या हो सकता है उस केस में, दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, या तो जो सेंट्रल एटम है वो सेम रहे या जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट हो। तो सबसे पहले देखते हैं अगर सेंट्रल एटम अलग अलग हैं तो उस केस में क्या होगा। सो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट होता है तो क्या करेंगे हम, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम मोर विल बी द बॉन्ड एंगल, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी जो बॉन्ड एंगल है वो भी उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, देखो हाइब्रिडेशन देन लोन पेयर दोनों सेम रहे तो सेंट्रल एटम देखा जाएगा, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट होते हैं तो क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार कई एंट्रेंसेस में पूछा गया है अलग अलग टाइम पे, लाइक वी हैव हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, जो ग्रुप 15 है उनके हाइड्राइड्स के बारे में देख रहे हैं, उनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे, तो ग्रुप 15 में कौन कौन से मेंबर आते हैं, निखिल पास सब बिंदास,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम और बिस्मथ। इनके हाइड्राइड तो NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3। तो ये हो गए इनके हाइड्राइड्स। हमें इनको अरेंज करना है इनके बॉन्ड एंगल के बेस पे। अब देखो इनमें ग्रुप 15 में जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो टोटल सम कितना है? 8। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4 आ जाएगा। और 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? 4 में हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास sp3। और इनके पास सबके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। इनके पास जो कॉम्बिनेशन है इट इज 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है। अब देखो बॉन्ड पेयर भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। इसके अलावा जो लोन पेयर है वो सब में 1 है, ये भी सेम है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम आ जाएं तो थर्ड क्या देखते हैं हम? सेंट्रल एटम को देखते हैं। तो सेंट्रल एटम देखो, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, इसमें आर्सेनिक है, इसमें स्टीबियम है, इसमें बिस्मिथ है। सेंट्रल एटम क्या है? सब में अलग अलग है। तो जब सेंट्रल एटम सब में डिफरेंट होता है, तो बताया था इफ द सेंट्रल एटम इज डिफरेंट तो क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ही ज्यादा क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द बॉन्ड एंगल। और ये कब ट्रू है? व्हेन द सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। कब ट्रू है? व्हेन द सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, तो उस केस में मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो इस केस में देखो जो नाइट्रोजन है उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सबसे 3 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं? FON। तो नाइट्रोजन तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगी? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हुआ? अमोनिया का, उससे कम PH3 का, उससे कम ASH3 का, उससे कम SBH3 का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका हुआ? BIH3 का। तो दिस इज द सीक्वेंस फॉर द बॉन्ड एंगल इन द ग्रुप 15। ठीक है, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम था, लोन पेयर भी सेम था, तो वहां पर क्या देखा हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम देखा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ वी हैव हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, सो अब देखते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट, ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स। देखो तो ग्रुप 16 में कैसे याद करते हैं? ओल्ड स्टाइल से टे पो। पोलोनियम जो होता है वो रेडियोएक्टिव होता है, तो इसको तो हटा देते हैं हम। तुम्हारे पास बचा H2O, H2S, H2SC एंड H2TE। ग्रुप 16 में जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। इसके अलावा तो हाइड्रोजन क्या रखें? तो टोटल हो गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया इसके पास। तो 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो 2 बॉन्ड पेयर का है और 2 लोन पेयर का है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम, सब में लोन पेयर भी कितने हैं? 2। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम लोन पेयर, मगर देखो सबको जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम आते हैं तो सेंट्रल एटम को देखा जाएगा। सेंट्रल एटम अलग अलग है तो क्या देखते थे हम? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन चारों में से? वाटर। तो वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा, देन H2S, देन H2SE, देन H2TE। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, सबसे ज्यादा H2O, देन H2S, देन H2SE, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2TE का। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एंट्रेंसेस में पूछा गया इन सबको। तो दिस इज अबाउट द बॉन्ड एंगल व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर आर सेम। ठीक है, तो देखो हमने देख लिया जब सेंट्रल एटम जो है वो अलग होता है, अगर सपोज करो सेंट्रल एटम सेम है तो क्या करेंगे? तो फोर्थ पॉइंट जो ध्यान रखना है, सो फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है? इफ द सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। और ये कंडीशन कब आएगी? जब मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो लोन पेयर है और जो सेंट्रल एटम है, इनों का क्राइटेरिया ना फिक्स हो, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा वो सेम होगा। तो अगर सेंट्रल एटम सेम है तो जो पेरिफेरल एटम्स हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम सेम है देन वी हैव टू लुक फॉर द पेरिफेरल एटम। सो इफ सेंट्रल एटम इज सेम देन वी हैव टू लुक फॉर द पेरिफेरल एटम। तो अगर सेंट्रल एटम सेम होता है तो उसके आसपास जो लगे हुए एटम्स हैं पेरिफेरल एटम्स, उन पेरिफेरल एटम को देखा जाएगा। तो देखे कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड एंगल किसका कम है किसका ज्यादा है? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द पेरिफेरल एटम लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा, वाइस वर्सा वेरी करता है ये। सो फॉर पेरिफेरल एटम मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस विल बी द बॉन्ड एंगल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक वी हैव बेरिलियम क्लोराइड एंड बेरिलियम ब्रोमाइड, अगर मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं
तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का आएगा, देखो ऐसा शेप होता है बीई और यहां पर सीएल, यहां पर भी सीएल, यहां पर बीई, यहां पर बीआर और यहां पर भी बीआर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, एक दो, दो हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड और दो सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एसपी, इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है एसपी, दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है। इसके अलावा लोन पेयर तो है नहीं इस पे, तो लोन पेयर देखा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम भी दोनों में क्या है सेम है। तो अगर सब कुछ सेम है तो क्या देखा जाएगा, जो फोर्थ क्राइटेरिया है उसको देखेंगे हम, वी लुक फॉर द पेरिफेरल एटम। अब देखो इसमें जो पेरिफेरल एटम है वो कौन है, क्लोरीन, इसमें पेरिफेरल एटम कौन है क्लोरीन, इसमें है कौन ब्रोमीन। अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन। और यहां पर हमने क्या लिखा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। अब क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्लोरीन वाले कंपाउंड में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, कम। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हुआ, बीई बी आर टू का। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हुआ, बीई बी आर टू का, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम तो बॉन्ड एंगल होगा ज्यादा। सिंपल सा समझ आता है। सो टोटल हमारे पास चार पॉइंट्स हैं बॉन्ड एंगल को करने के लिए, वो चार पॉइंट में हम एक साथ लिख लेते हैं उसको, वो चार पॉइंट क्या कहते हैं। सो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल जस्ट रिमेंबर दिस फोर पॉइंट। सो बॉन्ड एंगल बताने के लिए जस्ट चार पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं। सो पहले क्या करना है, लुक फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एसपी, एसपी टू और एसपी थ्री ऐसे अलग अलग आ रही है, तो एसपी में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और एसपी थ्री में बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन से इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है देन लुक फॉर द लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर कम है ज्यादा है तो इसे बॉन्ड एंगल कैसे डिटरमाइन होता है, तो लोन पेयर वेरीज यूनिवर्सली विद द बॉन्ड एंगल। अगर लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर दोनों ही चीजें हो जाएं कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है, देन वी हैव टू लुक फॉर द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है, तो सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है तो उस केस में क्या होता है, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है उस केस में मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्ड एंगल, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। फोर्थ क्या होता है कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम ही सेम है, सो इफ द सेंट्रल एटम इज सेम, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो उसके आसपास जो लगे एटम उनको देखो, और जब आसपास लगे एटम को देखोगे तो उसमें क्या डिटरमाइन करोगे, उस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे वेरी कर जाते हैं, वो वेरी कर जाते हैं इनवर्सली। देखो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट होता है, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल ये डायरेक्टली वेरी करते हैं, मगर अगर सेंट्रल एटम सेम होता है, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो जिसके पेरिफेरी वाले हैं वो अलग होंगे, तो अगर पेरिफेरी वाले अलग हैं उस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और बॉन्ड एंगल है कैसे वेरी करते हैं, इनवर्सली वेरी करते हैं। और ये किसके लिए ट्रू है, ये ट्रू है फॉर द पेरिफेरी, ये किसके लिए ट्रू है फॉर द सेंट्रल। तो ये टोटल मेरे पास चार पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल कम है ज्यादा है, कंपेयर कर सकते हैं किसका कम है किसका ज्यादा है, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरे लेक्चर का जो जिस्ट है वो यही है। फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम आए तो लोन पेयर देखो, और लोन पेयर से कैसे वेरी करेगा इस टाइप से, लोन पेयर भी सेम आ जाए तो सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम अलग अलग हुआ उस केस में इस तरह से वेरी करेगा, अगर सेंट्रल एटम भी सेम है तो पेरिफेरी वाले को देखो और पेरिफेरी से इस तरह से वेरी करेगा। तो टोटल हमारे पास चार पॉइंट हैं जिससे हमारे पास सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आ रखे हैं बॉन्ड एंगल के ऊपर वो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, और जो अभी हमने पढ़ा उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो द नेक्स्ट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2006 में आया हुआ था IEEE में, इसमें बताना है द डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल फ्रॉम NS3 टू SBS3। जब हम NS3 से SBS3 के ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। देखो हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, जब हम NS3 से और SBS3 तक जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा होता है। जब बॉन्ड एंगल कम हो रहा होता है तो क्यों कम हो रहा होता है, इसका रीजन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखा था हमने कि NS3 का तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होता है SBS3 का, तो जो बॉन्ड एंगल है वो कम क्यों होता है, इसका रीजन पूछा गया है। तो रीजन हमारे पास क्या है, चार रीजन दे रखे हैं, इन चारों में से हमें सेलेक्ट करना है कि विच वन इज द करेक्ट। तो सबसे पहला है डिक्रीजिंग बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन।
देखो सब में जो लोन पेयर है और जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर सभी में एक है, बॉन्ड पेयर सभी में तीन है, तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी में कम हो किसी में ज्यादा हो, तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं व्हेन वी मूव डाउन फ्रॉम NH3 टू SbH3, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है तो इसी की वजह से तो हुआ था जो बॉन्ड एंगल कम होने लगा था। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर इज सेकंड। तो बॉन्ड एंगल जो कम होता है फ्रॉम NH3 टू SbH3 इट इज ड्यू टू द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर हाइब्रिडाइजेशन लोन पे दोनों सेम है तो क्या देखा जाता था, जो सेंट्रल एटम उसको देखा जाता था। अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। ये क्वेश्चन AIPMT 2010 में आया था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द AIPMT 2010। ये हमारे पास तीन कंपाउंड दे रखे हैं और ये तीन कंपाउंड हमें बताना है, इसको हमें बॉन्ड एंगल के बेस पर अरेंज करना। जो ऑप्शन दे रखे थे वो चार ऑप्शन दे रखे थे, इसका कम इसका ज्यादा, इसका कम इसका ज्यादा, ऐसे कर करके चार ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालने आना चाहिए। तो देखो अगर आप इनमें सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो क्लोरीन में होते हैं आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और कितने हैं 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 19। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 टू जा 16, कितना बच गया 3, 8 से कम है, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा और यहां एक बच जाएगा। तो दो तो है हमारे पास बॉन्ड पेयर और एक है हमारे पास लोन पेयर, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2, और sp2 विद 1 लोन पेयर क्या शेप होती है, द शेप इज वी शेप, ठीक है। तो जो ClO2 है इसका शेप कैसा है, वी शेप है। तो ClO2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द शेप इज वी शेप, इस तरह का बनेगा ये Cl, 2 ऑक्सीजन है साथ में इसके, इसके अलावा इसके पास एक लोन पेयर है और देखो एक बच रहा है यहां पर, ये किसने माइनस ले रखा है। तो ये हो गया मेरे पास ClO2। नेक्स्ट इज Cl2O, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 क्लोरीन है और कितना ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो यहां से टोटल हो गया मेरे पास 20। 8 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में गया 16, कितना बच गया 4, 2 से करेंगे 2 बार में गया कट गया, तो 2 और 2 4, तो 4 हो गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और लोन पेयर कितने इसके पास 2, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर। तो बताओ शेप क्या होगी, द शेप इज वी शेप, ठीक है। जो वेस्पर थ्योरी है उसमें उनकी प्यारी पारुल जो करवाया था वाला जो वीडियो आप देख लो, 2 मिनट में आंसर निकाल लोगे उससे आप, तो इसमें शेप क्या होगी वी शेप। तो जो Cl2 है इसकी भी शेप क्या है, वी शेप, ऑक्सीजन और ये 2 क्लोरीन, शेप क्या है इसकी वी शेप। लोन पेयर कितने हैं इसके पास 2, तो ये है इसके पास 2 लोन पेयर, ठीक है 2 हो गया। थर्ड वन इज ClO2 माइनस, तो क्लोरीन 7 प्लस ऑक्सीजन 6 होते हैं इसके पास, 2 के पास हो जाएंगे 12, एक इलेक्ट्रॉन आ रखा है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 20। इसमें भी निकालोगे आप तो जो ClO2 है, देखो 20 आया तो 20 में मैथमेटिक्स लगाएंगे तो यही सब सेम चीज आने वाली है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, लोन पेयर 2 आएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर शेप क्या बनेगी, इसकी भी शेप बनेगी वी शेप। तो जो ClO2 माइनस है, Cl और O2 माइनस, इसके बाद भी कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, एक इसने माइनस भी ले रखा है, तो मेरे पास ये तीनों की शेप आ गई। अब देखो कंपेयर करते हैं हमने क्या क्या निकाला, तीनों की शेप तो वी शेप है, शेप निकाल ली हमने। अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, देखो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई थी sp2 और इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन जो आई है वो आई है sp3। तो नॉर्मली हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जो बॉन्ड एंगल है इट इज 120। मगर देखो इसमें लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड है थोड़े से दब जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल जो है वो 120 ना होके 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल जो है 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात इसको ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों को, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, दोनों में जो लोन पेयर है लोन पेयर भी सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम,
लोन पेयर सेम, उस केस में क्या देखा जाता था, सेंट्रल एटम को देखा जाता था। अब देखो सेंट्रल एटम, इसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इसका सेंट्रल एटम क्लोरीन है, तो जितने ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती थी उतना ही ज्यादा क्या हुआ करता था बॉन्ड एंगल। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, जिसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में जो Cl2O है इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और जो ClO2 है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, क्योंकि यहां पर जो सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, तो इन दोनों में तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो इनका तो केस फिक्स हो गया। अब देखो हमारे पास जो ये है इसमें बॉन्ड एंगल कितना था, 120 होना चाहिए था, तो 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लाइक 115 हो गया, 114 हो गया, इस तरह का कुछ हो जाएगा। जबकि sp3 में जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, sp3 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन से क्या हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा ClO2 का, 114 करीब होगा ना इसका, 120 से थोड़ा सा कम होगा, 120 से थोड़ा सा कम होता जाएगा तो कितना पहुंच जाएगा, 114 पहुंच जाएगा, 113 पहुंच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों में देखूं ClO और ClO2 माइनस, इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, Cl2O का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है, ClO2 माइनस का। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एक, यहां पर हमने सारे कंसेप्ट को यूज कर लिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, द क्वेश्चन इज वी हैव ClO2 Cl2O एंड ClO2 माइनस, इन तीनों कंपाउंड्स में हमें बताना था कि बॉन्ड एंगल के बेस पे हमें इसको अरेंज करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हमने देख लिया कि कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। उसके बाद हमने जो चारों कंसेप्ट पढ़े हैं उन चारों कंसेप्ट को लगाया, लगा के फिर हमने ये फाइनल आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए वीडियो को एक बार दोबारा से बैक करके देखो, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नेक्स्ट वी विल से द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास केरला इंजीनियरिंग में आया था 2005 में। सो हमारे पास वी हैव गिवन फोर कंपाउंड, NH3 PH3 H2O एंड H2SE। हमें बताना है इन चारों में से कि विच वन हैज अ स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, क्या बताना है कि स्मॉलेस्ट जो बॉन्ड एंगल है वो किसका होगा। अब देखो इन चारों ही कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है, इसके अलावा अमोनिया और PH3 ये दोनों तो सेम ग्रुप के मेंबर हैं, तो इनमें जो लोन पेयर होगा वो भी सेम होगा, लोन पेयर वन होता है, लोन पेयर वन होता है। वाटर में लोन पेयर होते हैं दो, और H2SE इसमें भी लोन पेयर होते हैं दो। तो देखो ये दोनों हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 15 से, और ये दोनों हैं ग्रुप नंबर 16 से। तो अगर मैं सबसे पहले चलो 15 वालों को कंपेयर करता हूं, तो देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो NH3 और PH3 में से जो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। H2O और H2SE इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इसमें से जो H2O है इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब मेरे पास फाइनली दो ऑप्शन मैंने एक्सक्लूड कर लिए, तो निकाल लिए NH3 और H2O, इनका बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, और PH3 और H2SE इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होने वाला है, इनका कम होने वाला है। तो मुझे बताना क्या, स्मॉलेस्ट ही बताना है, तो कम वाले कौन मिले मेरे पास, कम वाले मुझे मिल गए PH3 और एक है H2SE, इन दोनों का बॉन्ड एंगल इन चारों में से सबसे कम होने वाला है। अब देखो जो फॉस्फोरस है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज विद वन लोन पेयर, H2SE इट इज sp3 हाइब्रिडाइज विद टू लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो क्या देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे। अब देखो इसमें दो लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर, और लोन पेयर और बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करते थे, इनवर्सली मींस मोर द बॉन्ड मोर द लोन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें होगा, यस द आंसर इज H2SE, द आंसर इज H2SE। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, H2SE जो बॉन्ड एंगल है उसमें सबसे कम होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो ये क्वेश्चन केरला CET 2003 में आया था, 2003 का क्वेश्चन है। वी हैव NH3 BeF2 H2O CH4 एंड SO2, हमें इसे बताने की स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा। तो चलो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारे पास sp, H2O का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और SO2 का हाइब्रिडाइजेशन
इज sp2। तो ये हमारे पास हाइब्रिडेशन आ गए। अब देखो हमें बताने का है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो ये तो sp180 वाले होते हैं, इसको काटो। ये भी 120 वाले होते हैं, इसको भी काटो। अब मेरे पास तीन लोग बच गए कंपैरिजन के लिए। देखो इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद वन लोन पेयर, इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद टू लोन पेयर, और इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद नो लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर नहीं है तो इसका एंगल तो कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा आने वाला है। अब इन दोनों में से देखेंगे कि सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है। अब देखो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल और लोन पेयर कैसे वेरी करते हैं। इनवर्सली जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। तो इसमें लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, H2O। H2 विल बी द आंसर। H2 में जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप NH3 और H2O इनको जो बॉन्ड एंगल वो याद ही रख लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है, NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो करीब 160 डिग्री होता है, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 105 डिग्री लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ऐसे थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चेक कर लेना उसे, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड एंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ रखा है इनके हाइड्राइड्स को डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल में अरेंज करने के लिए, तो वो क्वेश्चन मैंने ऊपर करा दिया समझाते हुए, तो आप उसे एक बार दोबारा से देख लेना। वो कई बार एंट्रेंसेस में, बहुत सारे एंट्रेंस में आ रखा है, तो मैं इसे दोबारा नहीं बता रहा, वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो वी हैव 3 कंपाउंड्स NO2, NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। हमें इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। वी हैव टू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जम्मू कश्मीर PMT में आया हुआ था 2004 में, जम्मू कश्मीर PMT में 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो जो NO2 प्लस है NO2 माइनस है, सबसे पहले तो इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो नाइट्रोजन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 और 2 हैं, तो 6 × 2 = 12, और एक जा रखा है तो एक माइनस कर दो, तो 6 × 2 = 12 और 12 × 5 = 17, 17 में से एक गया 16, तो 16 आ गया। 8 से डिवाइड करोगे 2 बार में चला गया, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। यहां पर देखो नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 2 है, और कितने होते हैं 6 ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसका आउटर मोस्ट में, और एक माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ रखा है। तो 6 × 2 = 12 और 12 × 5 = 17, 17 × 1 = 18, तो टोटल यहां पर 18 है। 8 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में चला गया 16, कितना बचा 2, 2 से करोगे 1 बार में चला गया। तो इसके पास 2 है हमारे पास बॉन्ड पेयर, 1 है हमारे पास लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 3, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। नेक्स्ट इज NO2 सिंपल। तो यहां पर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 17 हो गया, 8 से करोगे 8 × 2 = 16, 2 बार में चला गया, कितना बचा 1, और 2 पे क्या होती है शेप, 2 पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है। देखो NO2 प्लस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, और 180 से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता बॉन्ड में। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है किसका है, NO2 प्लस का। अब उससे कम जो बॉन्ड एंगल है इट विल बी ऑफ NO2, और सबसे कम जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारे पास NO2 माइनस का, दिस इज NO2 माइनस, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो इसका तो समझ आता है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन था, sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180। यहां पर देखो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना बनता है, 120 करीब बनता है, और यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp था, मगर मैंने यहां पर तो बॉन्ड एंगल 180 नहीं लिया, बॉन्ड एंगल 180 नहीं लिया, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp था ना, मगर मैंने ज्यादा किसको किया, इसको किया, इसको ज्यादा नहीं किया, मगर क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो यहां पर एक क्या बच रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड है 180 थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा वो डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें, NO2 प्लस में, उससे कम NO2 में, और सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है NO2 माइनस में, सिंपल है इसका लॉजिक, तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एंगल 120 होगा, उससे थोड़ा सा कम चला जाएगा, क्योंकि लोन पेयर आएगा रिपल्शन करेगा तो एंगल 120 से थोड़ा सा कम चला जाएगा। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ लोन पेयर, सबसे ज्यादा किसका होगा NO2 प्लस, उससे कम NO2, और सबसे कम NO2 माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखना।
सो दिस इज अबाउट द टॉपिक ऑफ द बॉन्ड एंगल और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं वो कुछ क्वेश्चन थे. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम. सो उसके बाद चैप्टर जो है ये टॉपिक जो है खत्म करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है. हमारे पास H2S, NH3, BF3, SiH4 है. हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है और स्मॉलेस्ट को फर्स्ट रखना है. तो देखो H2S में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 विद 2 लोन पेयर. NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 विद 1 लोन पेयर. SiH में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 विद 0 लोन पेयर. तो इसका तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा. इसके अलावा जो BF3 है, BF3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 विद 0 लोन पेयर. तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा सिंपली 120. ठीक है, तो इन दो को तो सिंपल निकल गए 109 और 120. अब बचे ये दोनों. अब देखो इन दोनों में कंपेयर करें कि बॉन्ड एंगल किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा. तो मोर द लोन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल. तो H2S का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, सबसे कम होगा. उससे ज्यादा किसका होगा, NH3 का. तो H2S का सबसे कम बॉन्ड एंगल, उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का. उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट SiH4 और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, BF3 का. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखा. सो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो कि वेरियस एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रखे हैं. सो आप पढ़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर है, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज की क्लास यही खत्म करते हैं. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम अदर टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द कंटेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.